शुरू हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी हमने शुरुआत की, लकीर हमने खींच दी है। परीक्षा मूवी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जनता अपना प्यार दे, लेकिन सेटअप लग चुका है। जी सुल्तानपुर में भी हुई अग्नि परीक्षा की फिल्म की शूटिंग, सुल्तानपुर में भी हुई है, अमेठी में भी हुई है, मुसाफिर खाना में तो हम कर ही रहे हैं लग रहा लगभग। आप फिल्म के डायरेक्टर हैं और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से गाँव में ये शूटिंग चल रही है, गाँव वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अमूमन सब ग्रामीण तबके के लोग पिक्चरों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारों की वजह से सुल्तानपुर के अलीगंज के पास खेसारी लाल यादव की फिल्म शूटिंग हो रही है और शूटिंग होने के साथ साथ पूरे सेटअप को मजबूत किया जा रहा है। अगर मैं पीछे फ्रेम की बात करता हूँ तो पीछे आप फ्रेम पे देखिए, कई हफ्तों से सुल्तानपुर में और अमेठी में लगातार खेसारी लाल की फिल्म अग्नि परीक्षा की शूटिंग की जा रही है और इसमें जो अहम किरदार निभा रहे हैं खेसारी लाल, जो भोजपुरी के स्टार हैं, तो मैं आपको बताऊं कि अमेठी जनपद से लेकर के सुल्तानपुर जनपद तक शूटिंग की जा रही है। अभी अगर मैं इस लोकेशन की बात करता हूं तो यह अमेठी का बाईपास है और इसी सटे जिले में अब फिर से एक बार शूटिंग का सेटअप लगाया जा रहा है। शूटिंग स्टार्ट है और शूटिंग का सेटअप पूरे अच्छे से मजबूत किया जा रहा है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर शूटिंग के जो मैनेजमेंट होते हैं, जो शूटिंग को पूरा मैनेज करते हैं और जिस तरह से सेटअप लगाया जा रहा है, पीछे यहाँ पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनकी जो टीम है जो पूरे फिल्म को शूट करवाते हैं काफ़ी जिम्मेदारियों के साथ। अगर मैं स्क्रीन पर बात करता हूँ तो देखिए इनकी जो पर्सनली जो पूरे सेटअप होते हैं, जो कैमरा पर्सन की टीम होती है, अगर मैं कैमरे की बात करता हूँ तो पूरे सेटअप पर यहाँ पर क्रेन के पूरा सेटअप कर दिया जाता है, उसके बाद शूटिंग स्टार्ट की जाती है। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही थी कि अग्नि परीक्षा मूवी की शूटिंग हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक आम तौर पर सुल्तानपुर से लेकर अमेठी तक ये जो गाँव के लोग हैं, इन लोगों को जो शूटिंग जो फिल्मों में देखते हैं और फिल्मों में देखने के बाद जो रियल की शूटिंग होती है, वो इन जिम्मेदारों लोगों की वजह से देख पाते हैं। क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है उसके बाद और जिस तरह पे यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक आम बात है ग्रामीणों के लिए कि हाँ हम अपने गांव में भी शूटिंग देखे हैं, हम अपने शहर में भी शूटिंग देखे हैं, लेकिन मुंबई से शहरों से चल करके जब कैमरा पर्सन लाइट कैमरा एक्शन गाँव में बोला जाता है तो गाँव के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अगर मैं सेटअप की बात करता हूँ तो देखिए पूरे सेटअप को मजबूत किया जा रहा है और यहीं पर फिल्म की शूटिंग की जाएगी। लेकिन आमतौर पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से यहाँ शूटिंग भी चल रही है और इस शूटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो इस शूटिंग पे जो जिम्मेदार लोग हैं वो अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, इनकी वजह से खेसारी लाल यादव से मिल पा रहे हैं, खेसारी लाल यादव को देख पा रहे हैं और भोजपुरी स्टार को देख पा रहे हैं, सेटअप को देख पा रहे हैं, किस तरह से शूटिंग होती है। अगर मैं पीछे फ्रेम की बात करता हूँ तो एक बार आप तस्वीरों में देखिए यहाँ जो सेटअप है, आज किस चीज़ का सेटअप है, किस चीज़ पर शूटिंग होगी। हालांकि ये इनकी प्राइवेसी होती है, हम लोग लोकेशन भी नहीं बता सकते, इनकी प्राइवेसी ये लोग जाते हैं, लेकिन जो सेटअप को मजबूत किया जा रहा है, जिस तरह से कहीं ना कहीं अमेठी के बाद सुल्तानपुर में भी एक बार ये भी सेटअप आया था, गांव के लोग हैं, जो गांव के लोग जो फिल्मों में देखते हैं और फिल्मों में देखने के बाद उनको ये लगता है कि हाँ कि नहीं यहाँ पर शूटिंग हो रही है, और फिल्मों में और शूटिंग में क्या अंतर होते हैं ये कहीं ना कहीं है। लेकिन कुछ जिम्मेदारों की वजह से जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, इनकी वजह से वो रियल हीरो को देख पाते हैं अपने गाँव में और उनके कैमरा पर्सन उनके सारे सेटअप को देख पाते हैं। क्योंकि अमूमन सब ग्रामीण तबके के लोग पिक्चरों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारों की वजह से जो गांव में निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अहम रोल होता है। सर कब से ये शूटिंग चल रही है? पहला सवाल ये कब से, ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन से एक शूटिंग चल रही है, फिल्म का नाम अग्नि परीक्षा है। और आप तो काफ़ी दिखा चुके हैं सेटअप के बाद, ऑफ सेटअप आपने दिखाया था, आप ऑन सेटअप दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट 22-25 डेज। जो सर एक सवाल ये है कि जैसे गांव के जो लोग हैं जो टीवी पर देखते हैं कि ये ऐसा हीरो है, ऐसे स्टाइल्स हो रही हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारों की वजह से वो इस सेटअप को देख पाते हैं और रियल हीरो को देख पाते हैं, जैसे आप लोग हैं, तो आपके दिमाग में क्या आ गया कि चलिए अमेठी जनपद में शूटिंग करते हैं? वही कारण है जैसा कि आपने कहा, लोगों ने टीवी में देखा है, सिनेमा हॉल में देखा है, लेकिन नज़दीक से नहीं देखा गया है, तो मैं यहाँ का हूँ इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि हम अपने लोगों को स्टार से रूबरू नज़दीकियों से करा सके, यही एक कारण है यहाँ पे लेके आने के लिए। अच्छा, और अगर मैं अग्नि परीक्षा मूवी की बात करता हूँ तो अग्नि परीक्षा मूवी की शूटिंग सुल्तानपुर जनपद में भी हुई थी?
जी सुल्तानपुर में भी हुई, अग्नि परीक्षा की फिल्म की शूटिंग सुल्तानपुर में भी हुई है, अमेठी में भी हुई है, मुसाफिर खाना में तो हम कर ही रहे हैं, लग रहा लगभग 15-20 दिन से मुसाफिर खाना में ही है। तो ये आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे हर जगह कर रहे हैं हम लोग लगभग, क्योंकि 40 से 45 दिन का शेड्यूल है, तो जहाँ जहाँ जो लोकेशन हमें अच्छी लगती है एज़ पर द स्क्रिप्ट उस लोकेशन पर हम शूट करते हैं। उस लोकेशन पर शूट किया जाता है और कहीं ना कहीं कि इन जिम्मेदारों की वजह से, क्योंकि अभी तक देखा जाता था कि मुंबई हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गई, नोएडा, मतलब यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग और यहाँ के जो छोटे मोटे कलाकार हैं एल्बम सॉन्ग्स वगैरह अयोध्या कॉमेडी ये सब शूट करते हैं, लेकिन इनकी वजह से जिस तरह से गाँव में ये सेटअप लगाया जा रहा है, इनकी वजह से जो बड़े स्टार आते हैं भोजपुरी से स्टार लेकर के और भी जो स्टार आते हैं वो गाँव के लोग देख पाते हैं और उनसे मिलने का प्रयास भी करते हैं, कितने लोग तो फोटो भी खिंचाते हैं। भोजपुरी के जाने माने स्टार खेसारी लाल यादव जी की फिल्म की शूटिंग अमेठी में ही चल रही है, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। आप फिल्म के डायरेक्टर हैं और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से गांव में ये शूटिंग चल रही है, गाँव वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब सहयोग कर रहे हैं, तो मुझे तो अच्छा लगा, मैं फिर से अमेठी जनपद में आना चाहूँगा दूसरी फिल्म शूटिंग करने के लिए। आप लोग बहुत प्यारे हो, यहाँ के बहुत इंसान बहुत प्यारे हैं, वो मुझे लोगों से सहयोग मिल रहा है, इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जो शूटिंग देखने आते हैं चुपचाप खड़े रहते हैं, सहयोग करते हैं, तो अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है अमेठी जनपद में शूट करके। जी जैसे आपने कहा कि शूटिंग होती है तो काफ़ी गांव के लोग जो होते हैं शान से खड़े रहते हैं, शूटिंग को देखते हैं, बहुत से ऐसे शहरों में होता है हल्ला गुहार चिल्ला मचाने लगते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को आपको मुल्क बड़ा अच्छा लगा? नहीं देखिए सब जगह हैं बच्चे क्यूरियोसिटी, लेकिन यहाँ मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मैं हम लोग जहाँ पे शुरू दिन से शूट कर रहे हैं, जहाँ भी पब्लिक आती है स्वाभाविक है, जहाँ खेसारी लाल यादव रहेंगे स्टार हैं तो आएंगे ही वो लोग, लेकिन लोगों का मैंने देखा अगर लोग वहाँ खड़े हैं भैया वहीं के रहिए तो ठीक वहीं है, उससे एक कदम आगे भी नहीं आता, अरे भैया इधर से, इधर से हट जाइए, सब लोग बड़े प्यार से हट जाए, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। सर आप डायरेक्टर हैं और अग्नि परीक्षा मूवी की आप काफ़ी कारभार देख रहे हैं शूटिंग में, सुल्तानपुर में भी जनपद, आप सुल्तानपुर में ही गए थे? जी गया था ना, वहाँ रिस्पॉन्स रहा वहाँ? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ सुल्तानपुर में 2 दिन शूट किया जाकर। आगे की क्या अपेक्षा रखे सुल्तानपुर की जनता और अमेठी की जनता आपसे? मैं तो यही कहूँगा कि अब हम जो फिल्म बना अग्नि परीक्षा, मैंने आपके अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना के रहने वाले सुरेंद्र जी बना रहे हैं, तो हमारी सौभाग्य की बात है जो हम लोग अमेठी में आए, उन्होंने हमारे टीम को लाया यहाँ पे काम कराने के लिए, तो जनता का सहयोग चाहिए, जब फिल्म रिलीज हो तो थिएटर में जाके फिल्म देखें अग्नि परीक्षा, तो मेरी तो यही गुहार रहेगी। अपील भी है और सेटअप भी लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो अपनी पूरी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं, सर से बात करते हैं। सर देखिए आपका परिचय तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बार आप अपना जनता को परिचय देंगे। मेरा नाम आरआर प्रिंस है और मैं इस फिल्म का डीओपी हूँ। बिल्कुल। आपने सुल्तानपुर अमेठी के भी लोकेशन पर गए हैं, कई जगह गए हैं, क्या रिस्पांस रहा है सुल्तानपुर अमेठी की जनता? बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ और स्वर्णिम लोकेशन है, कमाल का लोकेशन है, मैं ऑल ओवर मतलब यूपी बिहार इंडिया के हर कोने में शूट किया हूँ, लेकिन यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोकेशन, यहाँ के गांव, खेत खलियान इतने प्यारे हैं कि जहाँ कैमरा रख दो वहीं ब्यूटी दिखाई दे रहा है, जहाँ कैमरा रख दिया जाए वहीं ब्यूटी दिखाई दे रहा है। अच्छा, जन्नत है, जन्नत जन्नत है। ये कैमरा आगे भी रखा जाएगा या? अरे 100% रखा जाएगा, इतने आगे आगे देखते होता है, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी हमने शुरुआत की, लकीर हमने खींच दी है। मुंबई से इतने कॉल आ रहे हैं प्रोड्यूसरों के, डायरेक्टरों के, कि भाई बहुत अच्छे अच्छे आप लोग वीडियो डाल रहे हो, इतने प्यारे लोकेशन कहाँ के हैं, तो वो लोग भी सर्वे कर रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, यानी कहने का मुझे लगता है कि ये फिल्म का हब बन जाएगा, हब बन जाएगा। हाँ कहीं ना कहीं जो अमेठी जनपद में, सुल्तानपुर जनपद में जब शूटिंग हुई है और शूटिंग होने के बाद इनका कहना ये है कि ऊपर से फ़ोन आ रहा है कि ये लोकेशन कहाँ का है, यानी साफ तौर पर ये है कि अब इस मूवी के बाद, अग्नि परीक्षा मूवी के बाद, कहीं ना कहीं अब और भी मूवी सुल्तानपुर जनपद अमेठी जनपद में होने वाली है, क्यों सर? 100% सही बोल रहे हैं आप, अब बहुत जल्द शुरू होगा, ये एक खत्म होगा, दूसरा चालू होगा, तीसरा चालू होगा, आने वाले एक साल में ये हब हो जाएगा। 2025 में फिर हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे उस फिल्म के जिस बैनर में बनेगी, सूर म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड,
जिसके प्रोड्यूसर फिर वही सुरेंद्र प्रसाद जी होंगे। बहुत जल्द हम लोग सुरेंद्र यादव जी अपना पार्टनर सुरेंद्र यादव जी है होंगे। अच्छा सर, खेसारी जी की कोई हाल ही में नई मूवी? अभी मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है राजा राम, कल रिलीज है 7 नवंबर को। अच्छा। हाँ, ऑल ओवर इंडिया रिलीज है, बहुत प्यारी फिल्म है। मैं पब्लिक आपके जनता से रिक्वेस्ट करूँगा कि थिएटर में जाए और उस फिल्म का मजा ले, आनंद ले। मुझे पूरा विश्वास है कि फिल्म पब्लिक को बहुत पसंद आएगी। सुरेंद्र भैया से आपसे एक पर्सनल सवाल है, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं लोकली और आप यहाँ गाँव के लोगों को भी देखा है, आप इस क्षेत्र में कब से आ गए और आप कैसे आगे बढ़ गए, कुछ इसमें रुझान कैसे, आपको शौक लग गए इस चीज में और आज आप ऐसा हो गए हैं कि पूरे गांव में सेटअप लगा के बैठे हैं? पूरा गांव में सेटअप लगा के बैठे हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि हर एक आदमी कमाने के लिए कहीं बाहर जाता है जी। तो मैं भी कमाने के लिए बाहर गया। बाहर जाने के बाद फिर आप मेहनत करते हैं, किसी चीज़ को पकड़ के अगर आप लगे रहते हैं तो मंजिल 100% आपको मिलेगी। उसी प्रकार हम भी लगे रहे हैं, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी स्ट्रगल किया बॉम्बे जाके, तब जाके इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आप आज इस मुकाम पे हैं कि हम अगर हम कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेरे कहने के अनुसार डायरेक्टर और DOP या स्टार कास्ट यहाँ पर आने के लिए तैयार हुआ, तो कहीं ना कहीं वो हमने मुकाम हासिल किया है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप लगन से लगे रहो कहीं। तो कितनी संघर्ष की है आप? बहुत सारा संघर्ष किया है, मेरी उम्र होगी लगभग 32 साल, 32 साल में से मैंने लगभग 12 साल तो संघर्ष ही किया है। 19 की एज में मैं मुंबई गया था एट द एज ऑफ 19 और अभी 31 कंप्लीट हुआ है। आपने अभी हम लोगों ने केक सेट पे ही काटा है, सेट पे सामने आई खेसारी जी के साथ हमने हमारा केक काटा है। तो ऑलमोस्ट 11 साल है, तो 11 साल हमने स्ट्रगल ही किया है। और इसके साथ साथ ये है कि ये मेरी पहली फिल्म नहीं है, इसके पहले भी हम काफ़ी फिल्म कर चुके हैं। अमूमन सुरेंद्र भाई कितनी फिल्म? मैंने अगर फिल्म की बात करोगे तो एज ए प्रोड्यूसर मतलब हिंदी वर्जन के प्रोड्यूसर लगभग 200+ फिल्में की हैं, जिसमें से 225 की 230 फिल्में साउथ की हैं। दक्षिण भारतीय फिल्म जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसका हिंदी वर्जन के प्रोड्यूसर हम ही रहते हैं लगभग फिल्मों के। जो भी आप सुर म्यूजिक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, ऐप पर जाएंगे, जो भी कॉन्टेंट आपको मिलेगा सब में प्रोड्यूसर हमारा है। काफ़ी इतना सुर साउथ का काफ़ी सारा काम करने के बाद फिर सोचा गया कि अपनी भाषा के लिए काम किया जाए, और अपनी भाषा के लिए काम करना है तो अपने लोगों के साथ ही काम करना है। इसलिए फिर हमने लगभग 8 महीने पहले हमने भोजपुरी में कदम रखा और 8 महीने से हम लोग भोजपुरी में काम करना शुरुआत किए हैं। पहली फिल्म रिलीज हुई है सूर्यवंशम, जो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, पवन जी की फिल्म है, बहुत प्यार दिया। मतलब एक फिल्म आज के 2-3 साल बाद एक फिल्म हिट हुई थी, काफ़ी बड़ी हिट मानी गई थी, फरिश्ता, जिसके डायरेक्टर लाल बाबू पंडित जी थे। उसके बाद कोई फिल्म अभी हिट हुई है तो वो है सूर्यवंशम, जो पवन सिंह 50+ सिनेमाघरों में चली है। उसके गाने आप लोगों ने सुने होंगे, अखिया में नसाबा, बबुआन, एकदम मतलब ताबड़तोड़ कमाई की है डिजिटल पे भी और सिनेमाघरों में भी। और उसके बाद ये दूसरी फिल्म हमने जो लगभग फिनांस की और हमारे पास राइट्स, वो मोहरा है, पवन सिंह की फिल्म है, वो भी फिल्म बहुत जल्दी आप लोगों के बीच मिलेगी। तीसरी फिल्म ये है आपकी, क्या बोलते हैं, अग्नि परीक्षा है, जो अभी कर रहे हैं खेसारी जी के साथ। तो मतलब अभी शुरुआत कर चुके हैं भोजपुरी में, जैसे हम लोग साउथ में भी एक झंडा गाड़ रखा है तो बहुत जल्दी हम लोग भोजपुरी में भी एक बड़ा झंडा गाड़ेंगे और इन सबको लेके गाड़ेंगे। चलिए, ओके, इन सबको लेके चलिए। आप लोगों से जाते जाते सुने, कल से फिल्म राजा राम रिलीज हो रही है ऑल इंडिया, तो प्लीज राजा राम को प्यार आशीर्वाद दीजिए। और ठीक 4-5 महीने में हमारी फिल्म आने वाली है थिएटर में, अग्नि परीक्षा, उसको भी थिएटर में जाकर आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अब शूटिंग करने पर महीने में अग्नि परीक्षा मूवी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जनता अपना प्यार दे। लेकिन सेटअप लग चुका है पीछे स्क्रीन फ्रेम पर, आप देखिए, और यहाँ पर यहाँ इनके सेटअप होता रहता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है जिस तरह से सेटअप को दिखाया जा रहा है। देखिए यहीं पर शूटिंग होगी, खेसारी जी आएंगे, जो इनके कलाकार हैं छोटे मोटे वो आएंगे, उसके बाद शूटिंग को स्टार्ट किया जाएगा। कहीं सुल्तानपुर के साथ साथ अमेठी जनपद में भी शूटिंग चल रही है। फिलहाल हम आपको अपडेट जरूर देते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीदान के साथ भोलू जहांगीर, सुल्तानपुर, अमेठी।